वेलकम, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे इजीलर्न क्लासेस में यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आज हम देखेंगे इंग्लिश पैडागोजी। कल भी कुछ क्वेश्चन हम आपको किए थे, आज कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये सबसे पहले लोगों को शेयर कर दीजिए, सबसे फर्स्ट आपका वर्क के लोगों को शेयर कर दिए। एग्जाम बहुत नज़दीक आप लोगों का है दिसंबर का। पैडागोजी कुछ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिए जो है बोर्ड में लिखा हुआ है, आइए क्वेश्चन डिस्क्राइब करते हैं क्वेश्चन क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लोगों को भेजिए, शेयर कीजिए और लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करें। आज चाहते हैं कम से कम आप लोग 50 लाइक करें इस वीडियो पे। हम चाहते हैं आप लोगों को शेयर करके इस वीडियो पे हमें 50 लाइक कम से कम मिनिमम मिले, हम जितना भी कर सकते हैं। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल पार्ट इन फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब देखिए इसमें से कौन सी जरूरत हिस्सा है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। अब देखिए आप लोग सुनते होंगे स्कूल वगैरह में दो तरह का पार्ट होता है, एक फॉर्मेटिव और एक क्या होता है आपका फॉर्मेटिव और एक होता है समेटिव, दो टाइप का होता है। अब समझना कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या जरूरत होता है, किस चीज के हिस्से को देखते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट या विद्यार्थी वहां पे भाग लेते हैं, नंबर बी टीचर लेते हैं, नंबर सी पेरेंट्स लेते हैं और नंबर डी स्कूल लेते हैं। आप बताइए स्कूल में कौन सा पार्टिसिपेट करेंगे फॉर्मेटिव में, स्टूडेंट्स की टीचर्स की स्कूल्स, बताइए कौन करेंगे। तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो स्टूडेंट करेंगे। क्या करेंगे, जब भी फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा रचनात्मक मूल्यांकन किया जाएगा, सबसे बेस्ट वहां पर पार्टिसिपेट कौन करेंगे, जरूरत किसका चीज का होगा, स्टूडेंट का होगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ट्रू, कौन सत्य नहीं है इसमें अबाउट समेटिव असेसमेंट। समेटिव मतलब होता है पूरा मिला के लेना। देखिए इसका हिंदी कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। इसमें से कौन सत्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नंबर ए ऑप्शन है, इट इज यूजुअली ए ग्रेड टेस्ट, या सहारनता एक ग्रेड टेस्ट दिया जाता है, ये हमेशा ग्रेड नंबर में टेस्ट में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, इट इनकरेजेस लर्न एंड फॉरगेट सिंड्रोम, हमको साहस रूप में किसी चीज को सीखना चाहिए और जो है सिंड्रोम मतलब कि रोग के तहत जो आपका है उस चीज को भूल जाना चाहिए, बिल्कुल ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ बोलता है कौन सत्य नहीं, ध्यान दीजिए कभी कभी क्वेश्चन में आप समझते हैं कौन सत्य है, देखिए लिखा हुआ यहाँ पे नॉट ट्रू, कौन सत्य इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, इट इज कैरीड आउट एट द एंड ऑफ ए कोर्स ऑफ लर्निंग, हम किसी चीज को कैरी करते हैं बाहर निकालने के लिए अंतिम में किसी चीज को कोर्स को अच्छे तरह से सीख लेने का, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी आइएगा, इट डज नॉट प्रोड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी अमंग द लर्नर, जब हम लोग पढ़ते हैं तो कोई तरह का क्या स्ट्रेस तनाव और कोई तरह का चिंतित महसूस नहीं होता है लोगों में, भी होता है लेकिन यहाँ पे क्या लिखा डज नॉट लिख दिया मतलब नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन एंड ऑन द स्पोर्ट रिकॉर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, ध्यान दीजिएगा कहता है कि स्पोर्ट रिकॉर्ड, तुरंत हम किसी चीज को परफॉर्मेंस को जो अच्छा करते हैं किस चीज में हम रिकॉर्ड करते हैं, किस चीज में जमा करके रखते हैं इसको। देखिए नंबर ए ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन, मतलब किसी चीज का हम अवलोकन करना, देखरेख करना। नंबर बी है एनसीडोटल रिकॉर्ड्स, किसी चीज को जो है रचनात्मक रूप में किसी चीज को देखते हैं क्या लिखा हुआ है हिस्सा संबंधी रूप में। और नंबर सी है रेटिंग मतलब स्केल, किसी चीज को रेट के दर के स्केल में निकालते हैं। और नंबर डी है पोर्टफोलियो, मतलब कोई कहानियां करके, हम बताएं किसी चीज का परफॉर्मेंस अगर स्पोर्ट टोन देखना है उसका हम अवलोकन करेंगे, देखरेख करेंगे। ऑप्शन नंबर ए को आपका करेक्ट हो रहा है, कौन सा ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑब्जर्वेशन। आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है लास्ट देखते हैं आज का, द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट इज, सबसे मेन उद्देश्य मूल्यांकन का होता है क्या होता है। आइए ऑप्शन देखते हैं, नंबर फर्स्ट ऑप्शन है टू मेजर, किसी चीज को मापते हैं अचीवमेंट ऑफ लर्नर, लर्नर मतलब जो सीखने वाले अचीवमेंट को क्या प्राप्त कर रहे हैं। नंबर बी टू गिव प्रैक्टिस, वो अभ्यास करते हैं इन राइटिंग लिखने का। ऑप्शन नंबर सी टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्या वो सीखने का जो है माध्यम सीखते हैं उसे क्या इम्प्रूव करते हैं सुधार करने का काम करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी टू डिसाइड पास एंड फेल, कभी भी हम मूल्यांकन जो है पास फेल से नहीं करते हैं, ये तो बिल्कुल आपको रॉन्ग हो गया।
देखिए टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, लर्नर्स क्या सीखते हैं उसको हम अचीवमेंट मापने का काम करते हैं, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। आइए टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, क्या हमेशा हम अभ्यास करने काम करते हैं क्या लिखा हुआ है, ये भी आपका जो है ये असेसमेंट का पार्ट नहीं है। अब देखिए ऑप्शन सी बचता है टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हम लोग जो शिक्षण करवाते हैं उस चीज को ऑटोमेटिक और भी क्या करते हैं इम्प्रूव करने सुधार करने का काम करते हैं ताकि जो है असेसमेंट मूल्यांकन हमारा बिल्कुल अच्छा हो जाए। ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और भी जो भी है सबसे पहले आप जो है एग्जाम सीटेट जेटेट एंड अदर एग्जाम जितना भी है अदर एग्जाम स्टेट के लिए ये हर एग्जाम के